जी मोदी जी से मिलना, ये हमारे कह सकते हैं कि हम इस विषय को एक नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते थे। वो तो बहुत ताज्जुब हुए, शॉक्ड हुए कि क्या ऐसी भी प्रक्रिया जो है चल रही है। और उन्होंने अन्य राज्यों का भी हवाला दिया, उन्होंने क्लियर से कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है पेपर आउट, इससे जो है कोई अछूता नहीं है। पर जिस तरह से आप यहाँ बता रहे हो, जिस तरह से आप दिखा रहे हो, ये SOP एक अलग तरह का, ये बिल्कुल जो है हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल अन्याय है। और हम आप बच्चों के साथ हैं और हमसे जो मदद होगा, चूंकि सरकार तो यहाँ देखिए एकदम प्रैक्टिकल में बोले, यहाँ पे तो BJP की सरकार है नहीं, CBI का ऑर्डर या तो हाईकोर्ट करता है या तो राज्य सरकार करती है। बिल्कुल, हम लोग एक एक बात को, जैसे CGL का पूरा मुद्दा को हम लोग रखें, इसके पहले भी जो पेपर में धांधलियाँ हुई है उन सारे मुद्दों को रखें। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो प्रोसीजर होता है, हम लोग ने आग्रह किया कि इसकी CBI जांच हो जाए सर, तो सब कोई पकड़े जाएंगे। हम लोगों ने प्रॉपर 6 मिनट बैठ के अकेले में हम सारे छात्रों से एक एक बात को समझा मुद्दा, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हाईकोर्ट की ओर हैं, हम लोग चूंकि हम लोग अपना जो एविडेंस है, आयोग तो मांग रहा है। 60-40 का आंदोलन में क्या हुआ, इतना आंदोलन हुआ, पूरे राज्य के बच्चे आंदोलित हुए, जगह जगह लाठी चार्ज हुई, जगह जगह बैरिकेडिंग हुए, एक लंबा अभियान चला। क्या वो वापस हो गया 60-40? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो वापस हुआ? जिस दिन रिजल्ट ये प्रकाशित किए कि उस दिन 30,000 लोगों की भीड़ आई थी, और उस दिन हम लोग 1,00,000 की भीड़ लेके हम लोग जाएंगे, 1,00,000 की भीड़, क्योंकि गलतियां पे गलतियां वो करें, आरोप पे आरोप वो लगाएं, दूध के धुले सिर्फ वो नहीं है, हर आरोप को हम लोग साबित कर रहे हैं, हर मनमानी उनकी नहीं चलेगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, सभी को जोहार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मुखरता, हमारी बात को मुखरता से जो है आप दिखा रहे हैं। और ये मैं चाहूँगा आप लोगों से कि ये आपका समर्थन, आपका प्यार आगे भी हम लोगों का बना रहे। आप सभी लोगों को पता है कि जो CGL पे जिस तरह का पेपर लीक का जो प्रकरण चल रहा है, पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बन गया है ये, और चर्चा का विषय बनना भी लाजमी सी बात है, क्योंकि ये परीक्षाएँ अगर आप देखेंगे तो 17 बार इसका जो है परीक्षा का डेट टाला जा चुका है, 4 से 5 बार इसका फॉर्म भराया जा चुका है, और लाखों बच्चों की जो है इसका भविष्य इस पर टिका हुआ, और कई एक बच्चों की उम्मीदें टिकी हैं कि वो सचिवालय सेवा में जाके अपनी सेवा राज्य सरकार में दे सके। लेकिन जो राज्य सरकार की जो कार्यशैली रही है, राज्य सरकारों की जो कार्यशैली रही है, पेपर लीक एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसमें उनका SOP इस तरह का प्लान्ड किया गया, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें प्लान्ड है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, बहुत अच्छा किया, नो डाउट, बट मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप ऊपर से चीज़ों को जितना भी अच्छा दिखाने का प्रयास कर लो, लेकिन अगर एजेंसी के ही लूपहोल है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जिस सिस्टम ने छात्रों के भविष्य को पंगू बना दिया है। पिछली बार अगर आप देखे होंगे SOP, अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा तो 28 तारीख को जो पेपर लीक हुआ, इंटरनेट चालू था, पूरे राज्य भर में मैसेज फैला उसका, ठीक है, फैला। 29 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया, पेपर रद्द भी हुआ, 4 का भी रद्द हुआ, आखिरकार एजेंसी की संलिप्तता सामने आई, आयोग ने खुद से शोकॉज दिया, उसके बावजूद जो है PGT वही आयोग, वही एजेंसी PGT का रिजल्ट जो है गो हेड करती है, ठीक है। SIT गठित हुई, तो मतलब जो उस दिन भी जो है माना जा रहा था कि जो है नहीं हुआ है पेपर, लेकिन आखिर छात्रों के मतलब आक्रोश पे आखिर सरकार ने माना, परीक्षा तत्काल रूप से रद्द हुई, उसके बाद SIT गठित हुई। लेकिन SIT का क्या हाल है आप सभी लोगों को पता होगा, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग नहीं पकड़े गए, कौन लोग इसके पीछे हैं, सरकार ने ना तो कोई श्वेत पत्र जारी किया, ना ही कभी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बच्चे इतने लाचार हो गए, इतने बेबस हो गए हैं, फिर एक उम्मीद से जो है एग्जाम देते हैं। सोचिए, इतने सारे चीज़ों के होने के बावजूद PGT में जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, एक प्लांड वे में नॉर्मलाइजेशन का खेल किया गया, जो आपको मैडम आगे श्वेता जी बताएंगी, एक प्लांड वे में खेला गया, एक चीज़ जो है फेल वालों को, 80 नंबर वालों को पास कराया गया, 130 नंबर वालों को फेल कराया गया, और उसका प्रमाण भी है। नॉर्मलाइजेशन का ये कौन सा तरीका है, मैं पूछना चाहता हूँ कि 50-50 नंबर का अंतर होता है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में भी आप ये क्या भ्रष्टाचार पनप रहा है भीतर भीतर, ठीक है। अगर आप देखते होंगे तो आप GPSC में जिस तरह से देखें, अभी जो वर्तमान जो सबसे प्रेजेंट सिनारियो है, सरकार GPSC को लेकर बहुत सिंसियर थी, आप लोग सभी लोगों ने देखा कि नहीं, हम GPSC कंप्लीट कराएंगे, और GPSC हमेशा से राजनीति का विषय रहा है इस स्टेट में, 1 महीना से ऊपर होने को है, लेकिन अभी तक GPSC के चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो रहे, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो है खुद जो चेयरमैन है निर्मला करकट्टा मैडम, ऐसा मार्केट में है। और मीडिया बंधु आपको भी पता होगा कि राज्यपाल महोदय को उन्होंने जाकर ज्ञापन दिया है कि हमसे कुछ लोग जो है कुछ लोग जबरदस्ती का काम करवाना चाहते थे। इसकी पूरे विषय की जानकारी मुझे नहीं है, जो आरोप लग रहे हैं उसी में बात कर रहा हूं, और ये लगभग हर जगह मरवानी इस चीज़ का हो रहा है। क्या कभी इस बात की चर्चा की गई कि आखिर कौन सा ऐसा विषय था, और 1 महीना से जो एक ऑर्डर पे आदेश पे मुख्यमंत्री का निकल सकता था, 4 कैबिनेट पार हो गया, पर अभी तक जो है एक चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो सका और बच्चे रोड पे हैं, तो इसे क्या समझा जाए।
जेएसएससी सीजीएल का वर्तमान में देखिए, मैं एकदम लेटेस्ट मुद्दा बता रहा हूं जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग चूंकि नेट बंद था और नेट का बंद करने का प्लानिंग देखिए, मतलब कितना प्लांड वे में किया गया है। पिछली बार नेट ओपन था, इनकी सारी कार्यस्थलियां कर एजेंसी के जो है बाहर आ गई, आप सभी लोगों ने देखा। पेपर को हाट बाजार में मुझे लगता है राज्य के हर दूसरे बच्चे के मोबाइल में आंसर की पहुंचाई, आप सभी मीडिया बंधुओं ने भी देखा और उसे बखूबी इस चीज को आप लोगों ने बताया, जनता के सामने भी लाया। इस बार का एसओपी क्या था, नेट बंद था, 8:30 से 1:30 बजे तक नेट बंद किया गया। 8:30 से पहली परीक्षा थी, 1:30 बजे तक बंद किया गया, क्योंकि 1:30 बजे के बाद जो परीक्षा थी उसका जो है मार्किंग नहीं किया जा रहा था, मतलब वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाना था। और अगर आप अगले दिन देखेंगे तो वही आदेश अचानक से 10 बजे रात में पलट जाता है और वो 2 बजे रात में ही नेट बंद कर दिया जाता है। और पेपर को एक प्लांड वे में बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो बच्चे काठमांडू, बिहार, आपका आसनसोल, ठीक है, और भी राज्य के कई जगहों में बच्चों का कॉल आया और हमारे पास कुछ पुख्ता एविडेंसेस आए, उस एविडेंस के आधार पे जैसे अभी कल ही आयोग ने आरोप लगाया था परसों दिन कि आप लोग 4 दिन के बाद आते हैं, तो महोदय हम, आप भी थे समर भाई, तो हम महोदय 4 दिन के बाद इसलिए आते हैं चूंकि आपने नेट बंद कर रखा है। अगर हम लोग किसी भी छानबीन के बिना अगर हम अपने मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आरोप है अगर हम उसको स्टैब्लिश नहीं करते तो कहीं ना कहीं अफवाह माना जाएगा और आप हम पे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और ये गलत भी है, कोई तरह का झूठा अफवाह नहीं होना चाहिए, पर हम लोगों ने बहुत बारीकी से हर चीजों को जांचने के बाद इस तथ्य पे पहुंचे, फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे कि नहीं, पेपर आउट है और परीक्षा से पहले आउट है और 3-3 दिन पहले तक पेपर आउट है और हम लोग के पास साक्ष्य भी मौजूद है। हम लोग जाते हैं छात्रों का आक्रोश पूरे राज्य में जो है एक, मतलब कहते हैं कि गुस्सा खून खौल उठना बच्चों का, जाते हैं आयोग को साक्ष्य भी देते हैं फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता है और ऊपर से हमारी सीडी को खाली बताया जाता है। हो सकता है जो कि एक, देखिए एक नेगेटिव चीजों को पकड़ा जा रहा है, पॉजिटिव चीज को छोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने सीडी के साथ पेनड्राइव भी दिया है ना, तो सीडी हम लोग को लास्ट मीटिंग में भी दिखाया गया सीडी में क्या था नहीं था, लेकिन जो हमारे पेनड्राइव में बातें थी, चलिए हम मान ली 1% को मान लेते, 1% को, वैसे मानने को दिल नहीं करता क्योंकि हम लोगों ने देखा था, लेकिन मान लेते हो कि 1% के हमारा सीडी खाली था, लेकिन हमने जो पेनड्राइव में दिया था क्या आपने उस बातों को प्रसारित किया कि पेनड्राइव में क्या आपने देखा? हम लोगों ने आपको मोबाइल पे दिखाया पूरी प्रॉपर्टीज के साथ कि किस तरह से जो है ये पेपर समय के पहले आउट था, हम लोगों ने दिखाया, उन्होंने 30 घंटे का समय दिया और इस तरह से नोटिस पे नोटिस हम लोगों को दिया जा रहा था जैसे हम लोग कोई अपराधी हो, बार बार अपराधी हो, लेकिन इस राज्य के बच्चों का खून इतना खौल चुका है, 4.5 साल तक बच्चों के जिस तरह से भविष्य खेला गया है, बच्चे आक्रोशित हैं और देखे चुके बच्चों के साथ हम हैं तो बच्चों की जनभावनाओं का भी सम्मान करना हमारा काम है। मोदी जी से मुलाकात की है, मोदी जी पहले चाहिए जी, क्या बातें हुई, कितना मिनट की मुलाकात थी? जी मोदी जी से मिलना ये हमारे कह सकते हैं कि हम इस विषय को एक नेशनल लेवल पर जाना चाहते थे, हम सरकार से को उम्मीद करते थे, चूंकि विपक्ष पे जो कि एक संवैधानिक एक प्रावधान भी कह सकते हैं कि कोई बात अगर आप पक्ष आपकी बात ना सुन रहा हो तो विपक्ष के जाना भी आपका काम है और विपक्ष का यही काम भी है। हम लोगों ने निवेदन किया और खुद जो है पीएमओ से हम लोग को कॉल आया था, सारा प्रॉपर जो है सारे डिटेलिंग ली गई, उन्होंने हर चीज का बारीकी से जांच करने के बाद आज प्रॉपर अकेले में जो कि आपको फोटो 2-3 कल शायद 12 घंटे के बाद उन्नमो ऐप पे अपलोड हो जाएगा सारा कुछ, शायद वीडियोस भी आएंगे, शायद मोदी जी इस पर ट्वीट भी करने वाले हैं आईएनएस पे। हम लोगों ने प्रॉपर 6 मिनट बैठ के अकेले में हम सारे छात्रों से एक एक बात को समझा मुद्दा और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हाईकोर्ट की ओर हैं, हम लोग चूंकि हम लोग अपना जो एविडेंस है आयोग तो मांग रहा है हम लोग को दे दीजिए आप मूल प्रति, लेकिन ये बताइए दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अपॉइंट किया जाएगा तो वो दूध कहाँ तक सुरक्षित है? हम अपना एविडेंस उनको क्यों दे? जिस राज्य में एक प्लांट वे में खेला चल रहा है और ये राज्य का हर बच्चा पूछ रहा है, हर बच्चा जान रहा है, तो उस तरफ उसके बावजूद भी हम अपना एविडेंस हम आयोग को क्यों दे? ना तो हमें किसी सरकार से कोई प्रॉब्लम है, ना तो आयोग के किसी, भाई एजेंसी आप जांच कराइए ना, जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप कहीं भी आपके पास फॉरेंसिक टीम है, पूरा पुलिस प्रकरण है, सारा कुछ आप लाइए सामने, और हमारा एविडेंस अगर गलत है तो हमारे पर नेम्ड FIR हो, हम लोग कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन अगर हमारी बात सही है तो हम वो मनवा के छोड़ेंगे और हमें तरीका हमें पता है। उसी सिलसिले में मोदी जी से मिले थे और हम सभी लोगों ने प्रार्थना की, 4.5 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, आप सारे मीडिया बंधु देखिए 4.5 साल तक हम लोग चुप रहे, किसी के पास नहीं गए और हम लोग पक्ष के लोगों के पास भी गए जाके मिन्नत की प्रार्थना की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी का क्या रिएक्शन? वो तो बहुत ताजुब हुए, शॉक्ड हुए कि क्या ऐसी भी प्रक्रिया जो है चल रही है, और उन्होंने अन्य राज्यों का भी हवाला दिया, उन्होंने क्लियर से कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है
बहुत ही गंभीर विषय है पेपर आउट, इससे जो है कोई अछूता नहीं है, पर जिस तरह से आप यहाँ बता रहे हो, जिस तरह से आप दिखा रहे हो, ये एसओपी एक अलग तरह का, ये बिल्कुल जो है हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल अन्याय है, और हम आप बच्चों के साथ हैं और हमसे जो मदद होगा, चूंकि सरकार तो यहाँ देखिए एकदम प्रैक्टिकल में बोले, यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है नहीं, सीबीआई का ऑर्डर या तो हाईकोर्ट करता है या तो राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार से हमें एक प्रतिशत भी उम्मीद नहीं है, एक प्रतिशत भी नहीं। आज जो मुख्यमंत्री 3 दिन पहले तक हम लोगों को बीजेपी का आईटी सेल का हेड बताया जा रहा था कि बीजेपी पार्टी के हैं, आज कहीं ना कहीं अगर आप कल देखेंगे तो कल से उनके बयान में नरमी आई है, ये कहीं ना कहीं उनके इनपुट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये ज्ञात है कि पेपर लीक हुआ है और बच्चों का जो आक्रोश है, बच्चों का आक्रोश जायज है। हम लोग को जेएसएससी कार्यालय एविडेंस के लिए बुलाया गया था, एविडेंस की मूल कॉपी के लिए। पहले हम लोग एविडेंस देने के लिए गए थे, जो हमारे पेन ड्राइव था वो देने गए थे, उसके बाद हम लोगों को मूल कॉपी के लिए बुलाया गया था, और ये स्पष्ट लिखा गया था कि आपको मूल कॉपी दिखाना है, तो हम लोग गए थे, वही दिखाने के लिए गए थे। जब हम लोगों ने मूल कॉपी दिखाया तो वो लोग डिनाई करने लगे, एक एक बात पे डिनाई करने लगे और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बात करने लगे। तो और साथ ही साथ उस दिन किसी तरह की, मतलब बच्चों से पूछ लीजिएगा, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई थी। जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और हम लोगों पर FIR किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से बच्चों से अपील किए थे, ताकि जो हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस के आधार पर ही हम लोग बात करने गए थे। अगर वो चाहते, पूरी सरकारी तंत्र उनके साथ है, अगर वो चाहते कि तुरंत जांच कराया जा सके तो वो लोग जांच करवाते और उसका आउटपुट निकलता। अगर वो चाहते, उनकी इच्छा शक्ति में कमी दिखी। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से अंदर के पूरे वीडियो को प्रकाशित किया है, और उस वीडियो को देख करके समझ में आ रहा है कि वो लोग बात को सुनना ही नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ अपनी बातें कहना चाहते हैं। हम लोग की बातों को हमेशा डिनाई किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सब मिले हुए और इस पेपर लीक के कांड में सभी लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और ये बच्चों का दर्द था, बहुत बच्चे गुस्सा में थे, इसलिए उस दिन आक्रोशित भी थे, और बोतल वगैरह थोड़ा बहुत फेंका गया था, ये चीज़ है, लेकिन ये पत्थर फेंका गया, पुलिस वाले घायल हुए, ये बिल्कुल भी मतलब बेबुनियाद आरोप है। मोदी जी को आप लोग कहना है कि हम लोग आश्वासन क्योंकि लगातार यही मांग हो रही है, इसी जल रथ मतलब रथ, तो मोदी जी से मिले तो ये बात हुई कि नहीं कि सीजीएल को हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक एक बात को, जेएसएससी सीजीएल का पूरा मुद्दा को हम लोग रखे, इसके पहले भी जो पेपर में धांधलियाँ हुई है उन सारे मुद्दों को रखे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो प्रोसीजर होता है, हम लोग ने आग्रह किया कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए सर, तो सब कोई पकड़े जाएंगे, मगर उन्होंने कहा स्पष्ट कि सीबीआई जांच की अनुशंसा या तो राज्य सरकार करेगी या तो हाईकोर्ट करेगी। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि राज्य सरकार तो करेगी नहीं, तो आप लोग हाईकोर्ट की ओर बढ़ें, और हम लोग हाईकोर्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 हाईकोर्ट जा रहा है। हमारे राज्य की हुआ जो हम लोग लास्ट दिन जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ और पूरे राज्य से बच्चे आए, बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। हम उनके जन भावनाओं का, उनकी भावनाओं का, उनके गुस्से का सम्मान करते हैं, लेकिन जो उस दिन हुआ, कुछ बच्चे हम लोगों से नाराज़ हैं कि सर आप लोगों को जो है वो बहुत ही वायलेंट वे में थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के हम लोग उस दिन जो है बैक हुए। उसका कारण ये था कि समर भाई आप भी अंदर थे, आपने देखा कि किसी भी तरीके से वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, किसी भी तरीके से। हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वो जिस तरह से बिहेवियर पे उतरे हुए थे, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये आपने स्वयं देखा था। और बच्चे जो हमारे थे आक्रोशित थे, बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, बच्चे आक्रोशित थे, वो पैदल चल के आए हजारीबाग से, बच्चे आक्रोशित थे सर कि हम लोग 5 रुपया खर्चा करके आए हैं, ये करके आए। लेकिन मैंने लाइव सेशन में ही कई बार कहा कि बच्चों को आपको जो है आक्रोशित नहीं होना, यही कुछ लोग चाहते थे, प्लांड वे में उस दिन आए थे। मैं फिर से इस मीडिया के सामने बहना चाहता हूँ कि प्लांड वे में आए थे। सोचिए, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, और ये बच्चों का नाम मेरा संदेश भी है कि अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सोचिए अगर उस भीड़ में जो 40,000 की भीड़ थी, 40,000 से 50,000 का जो भीड़ थी, और अंदर जो पुलिसकर्मी थे, जो आयोग के लोग थे, अगर खुदा ना खास्ते अगर कुछ ऐसा वायलेंट हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? उसके जिम्मेदार भी हम लोग होते, उन बच्चों। बिल्कुल, आप तो देख रहे थे बार बार हम लोग को समझे, उतने ज्यादा जो है वायलेंट थे बच्चे। मेरी बात, मैं माफी चाहूंगा, मेरी पूरी बात जो है मेरे बच्चों को संदेश देना है, और बच्चे हमारे जो है, बच्चे भी भावनाओं में बह गए हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कोई भी फैसले भावनाओं में बह के नहीं लिए जाते। एक लंबा प्रोसेस होता है किसी भी चीज का। सरकार एकदम अडिग है, सरकार के पास ऊपर से मैसेज है। मैंने फिर से कहा कि आयोग के ऊपर कार्मिक है, और कार्मिक के मालिक माननीय हेमंत सोरेन जी है, तो उनको ऑर्डर है कि नहीं, चूंकि उनके प्रतिष्ठा का उन्होंने विषय बना लिया, एग्जाम है। देखिए वो इस तरह से फंस चुके हैं, चुनाव आने वाले हैं, एग्जाम अगर वो खुद से रद्द करते हैं तो
तो जो है किचकिच, ठीक है, अगर वो उसका रिजल्ट भी देते हैं तो उससे भी ज्यादा किचकिच उनके लिए, मतलब इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति बन गया। हम अपने बच्चों का भावनाओं का सम्मान करते हैं, अगर उस दिन किसी भी तरह का हो जाए तो बच्चे नादान है, बच्चे उतना समझ नहीं पा रहे, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, गुस्से में है, पर शिक्षक वर्ग उनके साथ है, और उस दिन अगर कुछ ऐसा हो जाता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता, और मैं गांधी में विश्वास रखता हूं, और शायद ये एक इत्तफाकन था कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जो जन्मदिवस है जिसको हम अहिंसा के रूप में मनाते हैं, हम लोग उसी चीज में विश्वास करते हैं, हम हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि वो पुलिसकर्मी भी अगर उन्हें कुछ हो जाता, वो भी हमारे भाई बंधु है, बहुत लोग सपोर्ट किए, अगर उन्हें कुछ हो जाता, 100-150 की भीड़, 100-150 वो लोग की संख्या में थे, और इधर 30-40 हज़ार बच्चे, अगर कुछ लोग थे, कुछ लोग आक्रोशित भी थे, अगर कुछ हो जाता तो शायद हम लोग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते, इवन ये पूरा का पूरा आंदोलन नष्ट हो जाता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए 60-40 का आंदोलन में क्या हुआ, इतना आंदोलन हुआ, पूरे राज्य के बच्चे आंदोलित हुए, जगह जगह लाठी चार्ज हुई, जगह जगह बैरिकेडिंग हुए, एक लंबा अभियान चला, क्या वो वापस हो गया 60-40, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो वापस हुआ? नहीं वापस हुआ। उस दिन जो कुछ लोग जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं हमारे नेतृत्व पे, जब ये 60-40 रद्द हुआ था हाईकोर्ट से, उसके बाद जब हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, 20,000 से प्लस संख्या में थे, अब सारे मीडिया बंधु गवाह है, देवेंद्रनाथ महतो उस दिन जेल में थे, और हम ही शिक्षकों ने, हम ही कुछ लोगों ने उसका नेतृत्व किया था 20 से 25 हज़ार भीड़ का, और उसको बिल्कुल भी 1% भी वायलेंट नहीं होने दिया, सरकार से अपनी बात मनवाई, और सरकार के पांच मंत्री आए बात करने के लिए, क्योंकि वहां उनकी गलती थी, वो बाध्य किया हम लोगों ने, इसलिए नेतृत्व क्षमता पे सवाल किसी का मत बोलिए, ना हम लोग को नेता बनना है, ना विधायक बनना है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, और पिछले 10 दिन से हम लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग 10 दिन से बिना खाए पिए आपके लिए लड़ रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, संवैधानिक प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, और मैं अपने राज्य के युवाओं को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप विश्वास रखिए, एक आंदोलन हम लोग प्लानिंग करके, मैं कल शांत था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं काम में विश्वास करता हूं, मैं कथन में विश्वास करता हूं, आके लाइव आके वीडियो बना देने से जो है परीक्षाएं रद्द नहीं हो जाती, आके बोल देने से परीक्षाएं रद्द नहीं हो जाती, भावनाओं को दिखा देने से रद्द नहीं हो जाती परीक्षाएं रद्द होती हैं, आपके पास जो है प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, तो हठधर्मिता को हम लोग को छोड़ना होगा, और आंदोलन प्रॉपर एक चैनल से चलेगा, हम उसके समर्थन में भी हैं, लेकिन हम एक प्रोसेस कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ेंगे, और हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है। अभी तक कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हाईकोर्ट में प्रक्रिया लंबी चलती है, पीजीटी का देख लीजिए, ये देख लीजिए, वहां बिल्कुल प्लांड वे में खेला गया था, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है, हम जो आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जो 10,000 पिटिशनर कम मुहिम जो चलाने वाले पूरे राज्य में, और हमारे पास जो एविडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है, चूंकि अभी पूजा है, अभी दुर्गा पूजा है, तो हो सकता है इधर बंद हो, लेकिन उसके बाद भी हम प्रयास है, हम 2, 1 PIL और 1 रिट कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा, और एक पैरलर जो भी हमारे छात्र नेता चाहे जो भी इस आंदोलन में लीड करना चाहता, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारा समर्थन को प्राप्त है, नैतिक समर्थन, और हमारा समर्थन भी रहेगा, हम लोग आएंगे, मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं आपके। मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षकों के साथ कुछ छात्र नेताओं को नेतृत्व करने के लिए अंदर जाना चाहिए, तो वार्ता के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो लोग बार बार प्रशासन का, मैं ये होता हूँ ना कि आधी चीजों को प्रचारित किया जाता है, आधी चीजों को छोड़ा जाता है, ठीक है, वहां हम लोगों को कुछ न्यूज चैनल्स के बारे में भी मना किया गया था कि इन न्यूज चैनल को लेकर अंदर नहीं जाना, ठीक है भाई, हम आपकी सारी बात का सम्मान करते, उन्होंने क्लियर कवे में कहा कि टीचर भी नहीं जाने चाहिए, उन्होंने स्पष्ट वे में कहा कि टीचर भी नहीं जाने चाहिए, ना कोई छात्र नहीं जाना चाहिए, जो स्टूडेंट है जिसके पास एविडेंस है वो अंदर जाएगा। हम बोले कि बच्चे एक विश्वास पे हमारे आएंगे, बच्चे उतना टेक्निकली चीजों को नहीं समझ पाते हैं, बच्चे डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। हमारे साथ एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, अगर उसके पास FIR हो जाए, सरकार ने कल को किसी भी तरह से मान लीजिए उसके साथ किसी अनहोनी हो गई, तो उसके लायबल कहीं ना कहीं हम हैं। अपनी बातों को रखने के लिए, चूंकि भीड़ हम लोगों ने बुलाई थी, हम लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे, हमें किसी से कोई आपत्ति ना ही किसी से कोई गिला शिकवा है। आप आइए, अब आगे आइए, आपका स्वागत है, आप आंदोलन को लीड करिए, हम एक अलग वे में बढ़ चुके हैं, और आप जिस वे में बढ़ेंगे हम आपका स्वागत करेंगे, और आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी छात्र नेता हो हमारे साथ है, अगर किसी को हमारे नेतृत्व क्षमता पे अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो कुछ दिन रुक जाइए, हम लोग देखेंगे कि इसका रिजल्ट प्रॉपर जो है मिलेगा सभी लोगों को, या मैं छात्रों को आश्वस्त करता हूँ, और कोई लड़ाई में आगे आना चाहता है उसका भी हम स्वागत करते हैं तहे दिल से, सारे शिक्षक सारे जो लोग हैं हम लोग तहे दिल स्वागत करें, आप लोग सही, आपके साथ कदम से कदम खड़ा होकर हम लोग मिलाएंगे, और आप आगे रहिएगा, हम पीछे रहेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 5 तारीख को हाईकोर्ट बंद हो रहा है, तो हमारी प्लान 7 तारीख को हाईकोर्ट की ड्राफ्टिंग इतनी आसान नहीं होती, आप भी जानते हैं, और अभी PIL स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, आपको भी जानकारी है चीज़ों का, कानूनी चीज़ों का, क्योंकि अगर एक चीज़ भी अगर उसमें गलत हुआ या गलत विषय गया, प्रॉपर चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको भी पता है ये चीज़ें, हमारा मेहनत सारा बेकार हो जाएगा, इसलिए अभी मैं समझ सकता हूँ बच्चे थोड़े निराश हैं, चूँकि इधर हाईकोर्ट की छुट्टी है, 13 तारीख से छुट्टी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच इधर ही जो है हाई कोर्ट में एक 4 दिन का समय है, हम लोग उसी पे लगे हुए थे, कल भी लगे हुए थे, बच्चे सोच रहे होंगे सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, हम लोग सुबह से इसी में लगे हुए थे, और रात के कल 2 बजे हम लोग खाली हुए हैं, एविडेंस सारा चीज़ प्रॉपर अरेंज करने में सारी चीज़ों को, और मैं
हाई कोर्ट में, मैं बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर बच्चे हमारे साथ हैं, ये हाई कोर्ट भी इस बार, झारखंड हाई कोर्ट भी, झारखंड का हाई कोर्ट इस बार एक इतिहास रचने जा रहा है। 10,000 प्लस बच्चों के साथ अगर बच्चों का समर्थन हमें प्राप्त हुआ तो 10,000 बच्चों के साथ हाई कोर्ट में रिट होगा और सीबीआई जांच का आदेश पारित होगा। रिजल्ट तो ये ऐसे भी नहीं प्रकाशित करेंगे, जिस दिन रिजल्ट ये प्रकाशित किए, मैं आपके कैमरे के साथ ऑन कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस दिन 30,000 लोगों की भीड़ आई थी और उस दिन हम लोग 1,00,000 की भीड़ लेके हम लोग जाएंगे, 1,00,000 की भीड़, क्योंकि गलतियां पे गलतियां वो करें, आरोप पे आरोप वो लगाएं, दूध के धुले सिर्फ वो नहीं है, दूध के सिर्फ धुले वो नहीं है, हर आरोप को हम लोग साबित कर रहे हैं, हर मनमानी उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे उनके अनुमान। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि, और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, हम लोग उस दिन हाथ जोड़ के आए थे, समर भाई ने देखा जहां हमारी गलती थी, कुछ लोग हमारे जो है बदतमीजी से उनसे पेश आए, तो पेश आए तो उसका भी एक कारण था, हम लोगों ने उनको माफी मांगी, चलिए सर किसी ने आवेश में कुछ कह दिया हो तो चलिए सर उसके लिए सॉरी, बट आप हर बार मनमानी करेंगे ये नहीं चलेंगे अगर रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ऑन कैमरे में आप लोग देख सकते हैं, दो न्यूज चैनल में मौजूद है जो हम लोग अंदर गए थे, उन्होंने ऑन कैमरे में कहा है, अगर उनकी आंखों का जरा सा भी पानी उतर जाएगा तभी वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे। उन्होंने सिंपल सा कहा कि जब तक राज्यपाल महोदय के जांच की प्रक्रिया नहीं खत्म होती, हाई कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया खत्म नहीं होती, तब तक हम रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे। और ये वीडियो मौजूद है, उन्होंने सीधा सा कहा कि भाई अब तो हम लोग सब लोग SDO हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, और भी आयोग के पूरे स्टाफ थे, सबके सामने हम ऑन कैमरा जब कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे तो आपको किस बात का अंदेशा है, तो हमने कहा सर लिखित में दे दीजिए, तो बोला चेयरमैन साहब छुट्टी में हम नहीं दे सकते, ठीक है चलिए आपको वो भी मत मानते हैं, लेकिन कैमरे के साथ मौजूद है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गलती से रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो उस दिन 40,000 था, 1,00,000 बच्चों का हुजूम JSSC ऑफिस जाएगा, फिर और लोगों पर एफआईआर होगा, क्या होगा, कोई बात नहीं, अब तो खत्म ही हो गया, अब तो सब कुछ ना थाना से। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपको, देखिए हम लोगों ने ऑनलाइन एफआईआर किया, एफआईआर के हुए मेरे हिसाब से 36 घंटे होने को है, 36 घंटे, उसका एक BMS का रूल है कि आपको 24 घंटे के बाद रिसीविंग दिया जाएगा। मोदी जी भी जिक्र किया, मोदी जी भी इस बात का जिक्र किया, देखिए मुझे अच्छा लगा इस बात का कि मोदी जी भी इस बात का जिक्र किए, ठीक है, जीरो FIR, और भी उन्होंने कुछ बातें की जो हम लोग को ऑलरेडी कल बताया गया था। कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी लोग हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी, उनको आदेश है ऊपर से कि आपको FIR एक्सेप्ट नहीं करना है, मैं उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और उस दिन भी प्रशासन हम लोग कोऑपरेट किया था, 48 घंटे होने को, सॉरी 36 घंटे को होने हैं, लेकिन हम लोग को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, ये डर है लोगों के अंदर जी।